सारंगढ़ जिले के सरसीवा थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में इन दिनों धन वर्षा हो रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये बेहद चर्चा का विषय है और इस क्षेत्र के युवा अचानक कुबेरपति बन गए हैं। क्या कुछ कहानी हो रही है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं इस समय सरसीवा क्षेत्र में मौजूद हूँ और सरसीवा थाना क्षेत्र के ये जो पूरी कहानी है वो ग्राम रायकोना गांव की है। और यहाँ के कुछ युवा इन दिनों हाई प्रोफाइल जीवन शैली जी रहे हैं। इन युवाओं के पास ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ गई हैं जिनको अफोर्ड करना आम आदमी के लिए मुश्किल है। जी हाँ, आपको जानकर हैरत होगी कि जिन युवाओं के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उन युवाओं के पास BMW, मर्सिडीज़, थार जैसी गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ियाँ एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में हैं। और कुछ युवा हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं, जिसमें एक नाम है शिवा साहू। ये ऐसा नाम है जो कि रायकोना गांव के आसपास के लोगों के लिए, सारंगढ़ में ये कहिए कि सारंगढ़ जिले के लिए कोई नया नाम नहीं है। ये कहा जाता है कि जब शिवा साहू घर से निकलता है तो गाड़ियों का एक पूरा काफिला उसके साथ निकलता है। और ये किस तरह का काफिला होता है, पहले आपको मैं तस्वीरों में दिखाता हूँ जो शिवा साहू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया है। जानकार बताते हैं कि ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये सारी गाड़ियों के मालिक जो हैं यही युवा हैं, यही शिवा साहू है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि इन गाड़ियों को उसने अपने परिजनों के नाम से लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी महंगी गाड़ियां ये अफोर्ड कैसे कर रहा है। जानकार ये भी बताते हैं कि शिवा साहू 2 साल पहले तक बढ़ई का काम करता था, उसके पिता सामान्य से किसान परिवार के हैं। फिर आखिरकार 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आ गई। बिलासपुर में, रायपुर में कई जगहों पर सैकड़ों एकड़ जमीन होने की भी खबर मिल रही है। आसपास के लोग भी इस बात को जानते हैं और ये बड़ी चर्चा का विषय है। क्या कुछ है, मैं जानकारी है लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। ये बताइए कि जिस शिवा साहू के बारे में या जिस रायकोना गांव के बारे में बात हो रही है, बड़ा चर्चित नाम है ये, कैसे चर्चा में आया रायकोना गांव? रायकोना गांव सरसीवा से समीपस्थ ग्राम है, जो यहां से लगभग 4-4.5 किलोमीटर में बसा हुआ है। वहाँ जिस शख्स के बारे में आज इतनी चर्चाएं हो रही हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ जिस शख्स के बारे में बात कर रहा है, वो शख्स महज एक छोटा सा बढ़ाई था और वो अभी शायद फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। और अचानक से पूरे मार्केट में ये हल्ला है कि उसके पास, मरे सब लोग शॉकेड हैं कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। ये अपने साथ लगभग 10-12 की टीम लेके घूमते हैं, सुनने में आ रहा है आजकल बाउंसर भी रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी महंगी गाड़ियाँ जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे कुछ बताइए ना डिटेल में कि कौन कौन से किस तरह की गाड़ियाँ दिखती हैं, कितनी की गाड़ियाँ होती होंगी। मर्सिडीज है, BMW है, अभी हाल ही में एक बस लिया गया है बागेश्वर धाम जाने के नाम से। ये सब भी हमको चर्चाओं से मिलता है, कुछ इंस्टाग्राम से मिलता है, कुछ उनके यूट्यूब से मिलता है। और कुछ गाड़ियों को तो उन्होंने अपने मित्रों को भी गिफ्ट करके रखा है। अच्छा जी, कुछ ट्रैक्टर्स भी हैं। कुछ मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया में, उसमें पीछे बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं। जी, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, JCB हैं, साथ ही यहाँ तिलाई पाली, उस रायकोना समीप में और 2-4 गांव हैं, इधर हसौत साइड आपके बिलासपुर में, इधर बहुत सारी प्रॉपर्टियां भी खरीदने की सूचना हमें मिली है। कुछ और लोग इनसे मैं बात करूंगा। हेमंत भाई, ये बताओ कि क्या आपको जानकारी थी कि इस तरह, या इसको आप पहले से जानते थे इस शख्स को, अभी किस तरह से सुर्खियों में है ये? नहीं, पहले तो इसको नहीं जानता था, लेकिन जब माहौल जब ऐसा बना कि लोग उनके घर इन्वेस्ट करने जाते थे पैसा, और 4-5 गाड़ी के काफिला उन 8-10 लोगों को रखे हैं और साथ में काफिला जैसे उन लोग घूमते रहते हैं। और अभी हाल ही में सरसीवा थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। किसी ने शिकायत की थी इसकी? जी, इनका कोई शिकायत किए थे 2-4 लोगों ने, तो उस बेस पे क्या उनको यहाँ बुलाया गया था। लेकिन उनके समर्थक लगभग 400-500
के आसपास यहाँ के हुल्लड़बाजी करने लगे, ऐसा यहाँ देखने को मिला है। जिस हुल्लड़ की और हंगामे की बात हेमंत भाई कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले, चूंकि ये पूरा मामला जो है इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, ये ठगी के नाम पर ये पूरी कहानी लिखी जा रही है और भोले भाले लोगों से पैसा लिया जा रहा है, इस तरह की शिकायत जो है मिली है। और इस तरह की शिकायत मिलने के बाद इसी सरसिवा थाने में उसको बुलाया गया था, शिवा साहू को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने थाने का घेराव किया था, नारेबाजी की थी, और उसके बाद किस तरह से वो युवा थाने से बाहर आता है और लोगों के साथ, काफिले के साथ बाहर जाता है, इन तस्वीरों को आप भी देखिए। तो देखा आपने कि किस तरह से शिवा साहू का ये काफिला निकलता है, किस तरह से सैकड़ों की संख्या में उसके फॉलोअर्स हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि शिवा साहू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये कही जा रही है बात कि लोगों से शिवा साहू जो है रकम दोगुने तिगुने करने की बात कह के पैसे निवेश करवाता है। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि जितनी लंबी कतार बैंकों में पैसा जमा करने के लिए नहीं होती है, उतनी उससे भी कहीं अधिक लंबी कतार शिवा साहू के निवास में होती है। बताएंगे आप किस तरह से पैसा जमा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है सर कि मैं तो इस चीज़ से आश्चर्य में हूँ कि कोई आदमी अपने निज निवास में रोज लाइन लगाकर लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा है पैसा डबल करने के नाम पर, उसके बाद भी शासन प्रशासन आज मौन बैठी हुई है। आज आप सरसिवा मार्केट का हाल देख लीजिए, आज सरसिवा मार्केट पूरा सूना पड़ा हुआ है, आज ग्रामीणों का पैसा पूरा का पूरा वहाँ शिवा साहू के यहाँ लगा है, आज बैंक की तरह लाइन लगाकर लाखों करोड़ों रुपए रोज वहाँ लेन देन हो रहा है। शासन प्रशासन आखिर इसमें कार्यवाही कर क्यों नहीं रही, क्या इसमें शासन प्रशासन की भी संलिप्तता है? क्या आज से लगभग 15 दिन पहले जो सरसिवा थाने में हमने माहौल देखा, क्या इतने बड़ा थाना घिराव होने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके पहले कुछ पीड़ितों ने सरसिवा थाने में शिकायत की है। फिलहाल सौरभ अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, जिसने लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत सारंगढ़ और सरसिवा थाने में की है, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कर रही है। पहले पीड़ित क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये एक शिवा साहू नामक व्यक्ति जो कि पैसे लेकर के उसे तिगुना करने की बात करता है, और उसका चिट फंड अधिनियम में कहीं पर भी कोई पंजीकृत संस्था है जैसा इस बात की भी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि सारंगढ़ क्षेत्र में पहले भी चिट फंड अधिनियम में अवैध लेन देन के नाम से काफी लोगों पर कार्यवाही हुई है और ये क्षेत्र इन सब चीजों के लिए बदनाम रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से 30-40% ब्याज पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है कि 30% हम वापस देंगे, 40% वापस देंगे, उसमें भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं। इस मामले में कुछ लोगों ने बीते दिनों शिकायत की थी, लेकिन उनके शिकायत के आधार पर जब उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को सरसिवा थाने में बुलाया गया, तो बाकायदा 1000 से 1500 की भीड़ उसने बुला ली लोगों की, और माहौल बिल्कुल एक ऐसा हो गया कि साउथ फिल्मों में जो माहौल बनता है उस टाइप का माहौल बन गया, और पूरी भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो गया और उसे जाने दिया गया। इसके पश्चात मौखिक रूप से हमने यहाँ पुलिस विभाग में चर्चा की, लेकिन उनका यह कहना है कि भाई हम जाँच कर रहे हैं। कल हमारे वित्त मंत्री महोदय ओपी चौधरी ने जी ने भी इस विषय में कहा है कि यदि गलती है, यदि कहीं पर गलत है, तो उसकी जांच होगी। इवन चूंकि मैं जिला मीडिया प्रभारी हूं और वर्तमान में नगरपालिका परिषद में पार्षद भी हूं, तो इस जनहित के मुद्दे को लेकर के मैंने कलेक्टर में बाकायदा शिवा साहू के खिलाफ मैंने कंप्लेन दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में देखते हैं बड़ी क्या कार्यवाही होती है, किंतु इतना तय है कि जिस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है उसमें बड़े स्तर पर अवैध लेन देन का यह मामला है, और आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए गरीब व भोले भाले लोगों के डूबने की पूरी संभावना है। ये गतिविधियां संदिग्ध क्यों लग रही हैं? कुछ गाड़ियों की बात भी आप बता रहे थे, रहन सहन जीवन शैली जो है वो अचानक बदली है, वहाँ के युवाओं की बता रहे थे, कुछ गाड़ियां भी बड़े पैमाने पर, क्या मामला है?
ये जिस प्रकार से गाड़ियां 6-6, 7-7 करोड़ की गाड़ियां नगद में खरीदी जा रही है और जिस प्रकार से एकाएक साल भर के भीतर का ये मसला है, साल भर के पहले इस विषय में जानकारी नहीं थी किसी को, ये साल भर के अंदर ही ये सारी चीजें हुई है, तो प्रथम दृष्टि में तो संदिग्ध ही लगता है। फिर किसी भी प्रकार का जो लेन देन है वो महज सादे कागज में चल रहा है, वो कोई ऑन रिकॉर्ड एकदम ऑथोराइज नहीं चल रहा है वो। फिर उसका यदि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता या कोई बहुत बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड होता तो हम एक मिनट के लिए कुछ समझते भी कि हाँ ये पॉजिटिव चीजें हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र बदनाम रहा है अवैध लेन देन के लिए और इस प्रकार की कंपनियों के लिए, बहुत से लोग फ्रॉड हुए हैं, पुराने समय में अमुकवी जैसे लोग आए हैं और बहुत से लोग आए हैं जिसके नाम से हमें बिल्कुल यह लगता है कि ये गलत हो रहा है और आने वाले दिनों में बड़ा पर्दाफाश होगा। ये बताया जा रहा है कि BMW और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां आई हैं और कई ऐसे लोगों के नाम से आई है जिनके नाम पे सिर्फ एक एकड़ खेत है, गरीब तबके के लोग, किस तरह की गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आई हैं? ये BMW रेंज रोवर जैसी बड़ी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज की भी बात हो रही है, इवन उसने हेलीकॉप्टर भी बुक किया हुआ है जो हमको जानकारी मिली है। तो मुझे ये नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा बिजनेस होगा जो 30%, 40%, यहाँ तो डबल से भी ज्यादा का उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उन्हें लाभ जनरेट हो रहा है, वैसा तो कोई बिजनेस नहीं है। क्या इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए कि ये संपत्ति कहाँ की है, किसके नाम से है, पैसा कहाँ से आ रहा है? 101% इस विषय में जांच होनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखकर इस विषय की जानकारी दी है और 101% इसमें कार्यवाही भी होगी आने वाले दिनों में। अपने को शिवा साहू रायकोना से है, वो अपने को क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, आपको पैसे जो है 8 महीने में डबल करके दूंगा बोला और अपने से पैसा ले लिया। जब अपना 1 मंथ हर महीने आप हमको दूंगा बोला, 1 महीने होने के बाद अपने को पेमेंट नहीं मिला तो अपने थाने में शिकायत की है, जिसकी TI सर का कहना है हम इसमें कार्रवाई करेंगे, हम चाहते हैं अपना पैसा मिल जाए और अपना कार्रवाई हो इसमें। ये बताइए सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हुआ है या और भी लोग हैं? बहुत से लोगों के साथ ही हुआ है लेकिन अभी बोलने में सब डर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सबका होगा, अपने तो थाना में शिकायत की है। लाइफ स्टाइल जो है इस लड़के की वो कहीं संदेह के घेरे में है, बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में है। एक आम आदमी के होते हुए 1-1.5 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था, आज मर्सिडीज गाड़ी, अच्छी अच्छी गाड़ी, अभी 2-3 दिन पहले उसके इंस्टाग्राम में डाला है, फेसबुक में डाला है, 8 करोड़ का रॉक रॉयल्स का नाम है गाड़ी वो लाया है। और भी कुछ गाड़ियां, BMW है, Scorpio N9 है, उसके गांव के बाहर में पार में खड़ा रहता है, काफिला निकलता है बताते हैं जब। बिल्कुल काफिला निकलता है, 10-15 गाड़ियों का काफिला निकलता है। 23 जनवरी को हमने सरसवा थाना शिकायत करने के लिए गए, वहाँ पे थाने को घेर लिया गया पूरी तरह, 500-700 आदमी अपने को बहुत गाली गलौज भी दिए वहाँ पे। हाँ, पुलिस थाने के संरक्षण में हम लोग अपने घर वापस आए। गाड़ियों के टायर की हवा खोल दी, दोनों गाड़ी के टायरों की हवा खोल दी गई थी। क्या लगता था, जान का खतरा था? बिल्कुल अपने को जान का खतरा था, हम डरे नहीं लेकिन बहुत समय हुए जरूर थे। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, अपना पैसा अपने को मिल जाए। आप जयपुर के निवासी है बिंदा साहू, उसके जानकारी से अपन मिले हैं, वो अपने को बताया ऐसे ऐसे मैं यहाँ लोगों का पैसा लगवा रखा हूँ और अपने को बोला कि 30% ये ब्याज देता है सालाना, मेरे लोगों को दे रहा है ऐसा वैसा। तो अपन सोचे एक बार मिल लेते हैं, अपन उसके ऑफिस गए मिलने। किसके पास गए थे? शिवा साहू रायकोना, समथिंग 9-10 जनवरी की बात है ये। तो उन्होंने बताया, मैं उन्होंने पूछा कि भाई इतना ब्याज कैसे दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं रिटर्न? तो बोला सामने वाला कि मैं क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, 90% शेयर खरीद लेता हूँ और फिर उसको बेच देता हूँ, ऐसे मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, मैं लोगों को भला कर रहा हूँ। ये उसके बोल थे कि मैं लोगों को भला कर रहा हूँ, लोगों को मेरे को बड़ा आदमी बनाना है ये सब। और मैं गया तो उसके ऑफिस में बहुत लोग खड़े थे पैसा लेके, जो लेने वाले देने वाले लाइन लग रखी थी पूरी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा, देखा सब ठीक लगा तो मैंने और थोड़ा पता किया उसके बारे में, लोगों को दे रहे हैं नहीं दे रहे सब चीज़। उसके बाद फिर मैंने पता चला कि दे रहे, तो अपन सब 4-5 लोग मिल के अपन उसको पैसा दिए। तो अपने से उससे व्हाट्सअप चैट भी हुआ मेरा, उसका मोबाइल में बात हुआ। उसके बाद वो बोला कि ठीक है मेरे आदमी को मैं भेज रहा हूँ, आप उनको पैसा दे दीजिएगा। वो अपने आदमी को भेजा सरिया हसौद क्षेत्र में, अपन उसको पैसा दी आके, वो पैसा अपन उसको बोले इतना बड़ा अमाउंट हम आपके जगह में नहीं लेके जाएंगे, आप लेके जाओ। तो ठीक है बोला, मैं उठा लूँगा उसका, मेरे पास मैसेज वो है मेरे पास व्हाट्सअप में। तो उसके बाद अपन उसको पेमेंट ले गया। अब उसको आपने शिवा को दिया था? शिवा के आदमी को दिया था, बात शिवा से हो रही थी, उसका चैट है, मैंने उनको बोला भी, तो बोला मैं एड्रेस दो मैं भेज रहा हूँ बोला। झगेश साहू उसी के उसमें है, काम करता है उसके ऑफिस में, आप कभी भी जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने उसको फ़ोन लगाया कि आपके आदमी को पेमेंट मिल गया, तो उन्होंने बोला पेमेंट नहीं मिला है मेरे आदमी को।
ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला हमारा आदमी पे आपका पेमेंट ले गया है, तो कंफ्यूजन हो गई, कुछ दिन तक चली। फिर वो एक दिन मिलने बुलाया सर सिवा, हम उससे मिलने गए, तो हम उसको पहुंच के सतिवा पहुंच के फ़ोन किए, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैं रायपुर आ गया हूँ। तो हम उसको बोले भी हम रुक जाते हैं, लेकिन सामने वाला बोला नहीं मैं नहीं मिला, मैं 4-5 दिन बाद आऊँगा। वो घुमाने लगा, उसके बाद फिर हमने पुलिस वुलिस किया, उसको पता चला, तो उसके बाद फिर उसने मीटिंग करने के लिए तैयार हो गया। वो जयपुर मीटिंग करने आया अपने एजेंट बिंदा साहू के घर में, उसका कैमरा प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, चाहिए होगा तो। उस दिन मैंने उसको बोला, तो बोला ठीक है मैं अपने आदमी को बुला लेता हूँ जिसको पैसा दिए हैं। वो आया, उसने भी इनकार कर दिया, नहीं दिए हैं पैसा करके, साफ इनकार कर दिया। प्रूफ ऑलरेडी उन लोग कुछ देते नहीं है कि पैसा मिलता है, सब कैश और अकाउंट में पैसा लेते नहीं, सब कैश लेते हैं। तो उसका आदमी आया, उसने भी इनकार कर दिया। मैं बोला भैया आप, या तो आपका आदमी तो मना कर रहा है, या तो आप पैसा दे दो या फिर मेरे को जैसे करना होगा, मैं तो करूँगा अपना पैसा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने बोला कि 5-7 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं आपको सब जांच पड़ताल करके सब पता करके आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। ये उसके लास्ट बोलते निकलते समय मीटिंग किया। फिर दूसरे दिन मैंने अपने जिससे पैसा हम लोग लगाए थे उन सबको बताया कि भैया ऐसे ऐसे बोल के गया है। तो उन्होंने बोला एक बार हमारी बात करा दो। वो लोग नहीं गए थे मीटिंग में, उसमें से एक लोग था जो पैसा लगाया, उसमें एक था मेरे साथ विश्वजीत खंडेकर, वो था, बाकी नहीं थे। तो बाकी को बताया मैंने, उन्होंने बोला एक बार हमारी बात करा दो फ़ोन में। मैंने सिवा से कॉन्फ्रेंस से बात कराया उनकी, उस समय फिर वो नट गया, फिर वो दोबारा कि भाई मैं नहीं जानता, नहीं पैसा दिए हो, चूतिया बना रहे हो, ऐसा दुनिया भर का। तो मैं उनको बोला भी फ़ोन में, भैया ये बात आप कल बोलते मीटिंग, जब आपकी मेरी बात हुई है तो कल आप बोलते थे मैं नहीं दूंगा पैसा जैसे करना कल। फिर हम लोग ने आके यहाँ सतीवा थाना में कंप्लेन लिखाई, जैसे सूचना दी वैसे उनको पता चल गया, उसके लोग आते गए, हमको धमकाते गए, पहले 5-10 ऐसे देखते देखते 500 आदमी हो गए। हम थाना के अंदर थे, थाना के अंदर रहते थाना घेराव कर दिया, उसके बाद हमको धमकी मिली है कि बाहर निकलो मार देंगे, काट देंगे, कर देंगे, और लेडीज़ें थी तुमको रेप में फंसवा देंगे, केस ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की सब मतलब जितनी धमकी होती सारी धमकी मिली हमको। मतलब हमको ये लग गया था हम थाना, तब रात को हमको कैसे निकले, घर कैसे पहुँचे। लेकिन उसके बाद फिर जैसे थोड़ा मामला शांत हुआ, बातचीत हुई, वो आया और इतना मामला गर्म हो गया था, पुलिस वाले भी एक बार शांत करने में लगे हुए थे उस चीज़ को। ये बताओ आपका अनुभव क्या बोलता है कि सिर्फ आप ही के साथ इस तरह की ठगी हुई है? और अब देखो क्या है, वो मार्केट में ये हल्ला फैला रखा है कि मैं इसके साथ इसको पैसा देता हूँ, उसको वो देता है नहीं देता मेरे को नहीं पता, लेकिन वो मार्केट में हल्ला फैला रखा है मैं ऊपर तक पैसा देता हूँ, है ना। तो किसी के साथ हुई होगी तो भी आदमी बताने डर रहे, वो सामने हमको भी शुरू में यही लग रहा था भाई इतना बड़ा काम कर रहा है, सबको शासन सब प्रशासन सबको दे के चलता होगा, एक तो वो मार्केट में हल्ला भी वही कर रखा है वो, तो आदमी बताने डर रहे और फिर वो कैश पैसा ले रहा है, तो आदमी को ये भी लगता है कि मैं भाई मैं बताऊंगा कल तो मेरे ऊपर कार्रवाई मत हो जाए, तुम पैसा कैसे दिए कैश। हाँ पुलिस हमारा सहयोग कर रही है इसमें। अच्छा इस पूरे मामले में क्या किस तरह का रहन सहन है, किस तरह से शौक है उसके आप बता रहे थे गाड़ियों के? शौक तो मतलब अब आप अंदाजा मान लीजिए, 1 साल पहले 22 साल का लड़का है, वो बढ़ाई का काम करता था 200 रुपये रोजी में, आज वो 4 करोड़ के रोल्स रॉयस में घूम रहे, BMW में घूम रहे, मर्सिडीज में घूम रहे, फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स है उसके 75,000 और यूट्यूब में चैनल है उसका, उसमें डालता है आज मैंने ये गाड़ी ली, आज मैंने वो गाड़ी ली। इस पूरे मामले में क्या इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और अगर वो फ्रॉड हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल बाकियों के साथ भी होगा। आज हमारे विपक्ष में 1,000 आदमी खड़े थे, कल हमारे पक्ष में 1,000 आदमी खड़े होंगे। रायकोना मामले में जिस तरह से लगातार लोग ठगी की बात कर रहे हैं, इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है, सरसीवा थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कर रही है। इस मामले में SDOP मनीष कंवर हैं जो इस मामले की लगातार जांच कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है, खासतौर पर रायकोना क्षेत्र की, कि वहाँ के युवा हैं वो वैभवी जीवन जी रहे हैं, अनायास संपत्ति बहुत ज़्यादा हुई है, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ ठगी की बातें भी आ रही है, क्या पुलिस के संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत आई है? सर बिल्कुल हमारे समक्ष ये शिकायत आई है, सत्ती निवासी सौरभ अग्रवाल ने इस संबंध में आवेदन दिया था कि उनके 5 साथियों के द्वारा भी जो पैसा दिया गया है उसे भी रिटर्न नहीं किया गया है, और जिस मात्रा में उनको रिटर्न करना था लगभग 2 करोड़ की राशि है वो रिटर्न सिवा साहू एवं उसके साथियों के द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट जो स्कीम है या फिर जो भी वायदे किए गए थे जिस माध्यम से इन्वेस्ट किया गया था तत्संबंध में जांच पर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हमें जांच आवश्यक है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग जो है वो थाने के बाहर नारेबाजी करते आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया था, तब कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, क्या इस मामले को भी पुलिस ने संज्ञान में लिया? देखिए सिवा साहू के साथ में उन लोग नहीं आए थे, सिवा साहू के पक्ष में हालांकि वहां पे बातें जरूर सामने आई थी और
शिवा साहू के से बयान लिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए वो मेरे साथ नहीं आए हैं, मेरे से पहले ही आ गए थे, सो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा कहा था। तो इस संबंध में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ के व्यक्ति थे, क्यों आए थे और किन किन माध्यमों से आए थे, तो इन सभी पहलुओं की जाँच करना है। और जहाँ पर भी इन पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया, चाहे वो पैसे कहीं कुछ संपत्ति ली गई होगी या फिर जैसा भी है, तो इस संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक प्रमुख बिंदु है जो इस पूरे मामले में बार बार कही जा रही है कि जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरह से BMW या और महंगी गाड़ियाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्या पुलिस इस बारे में भी जांच करेगी कि अनायास पैसे का स्रोत क्या है, कहाँ से ये संपत्ति आई है और आगे क्या इनकम टैक्स विभाग को भी इस संबंध में कुछ जानकारी के लिए भेजा जाएगा? देखिए ये जो आप पॉइंट उठाए हैं बिल्कुल वो जाँच का विषय है और हम लोग इसमें जाँच कर ही रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पुलिस का कहना है कि रायकुना मामले में हर एक पहलू की पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS 24, रायगढ़।